नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। चाहे आप सिख फॉर जस्टिस के बारे में बात कर लें या इसके जैसे किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लें, ये लोग जब भी भारत के बारे में बात करते हैं तब भी भारत को तोड़ने के बारे में ही बात करते हैं, और बढ़ चढ़कर ये कुछ इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि भारत का जो पंजाब प्रोविंस है वहां पे ये सिखों के लिए एक अलग देश बनाना चाहते हैं। ये तो रही वो बातें जो हमें दिखाई पड़ती है पहली नजर में, लेकिन जैसे ही आप खालिस्तान मूवमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा है। जैसे कि नॉर्मली हम ड्रग लॉर्ड्स के बारे में देखते हैं जहां पे एक ग्रुप होता है, उनका एक सिस्टमैटिक तरीके से इलीगल बिजनेस होता है और उस इलीगल बिजनेस से पैसे आते हैं, और ग्रुप के भीतर भी जो राइवलरी होता है पावर को लेके, तो मोर और लेस कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों के बीच में, जहां पे जो लीडर जितना पुराना है उसको उसी हिसाब से पोजीशन चाहिए होता है, और अगर वो पोजीशन उसको नहीं मिलता है तो जो उसका इमीडिएट खतरा होता है उसको वो मारता है, यानी कि जो गैंग वॉर होता है वो। जहां तक बात किया जाए खालिस्तान मूवमेंट का या इससे संबंधित किसी भी और ग्रुप्स का, तो ये लोग मेक श्योर करते हैं कि ये लोग किसी भी तरीके से जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको ना छोड़े। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि रिलीजन का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल मकसद को साधने के लिए होता है। ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिलता है उन सब ग्रुप्स में जो किसी भी तरीके से भारत को तोड़ने की बातें करते हैं और उस आड़ में जो अपना बिजनेस है उसे चलाते हैं। चाहे आप बात कर ले हरदीप सिंह निज्जर के बारे में या गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में या इसके जैसे और भी कुछ लोगों के बारे में, बहुत ही बेसिक चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि किसी भी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपके पास प्रॉपर फंड होना चाहिए। और जहां तक बात किया जाए उन सभी ग्रुप्स के बारे में जो किसी भी तरीके से एंटी इंडिया काम करते हैं, इन सभी ग्रुप्स को पाकिस्तान का ISI हो गया, चाहे चाइना हो गया, या मोर और लेस हम समझ ले कि वो सभी देश उनको फंड करते हैं जिन देशों के संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं है, और उन सब देशों के जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ इनकी मीटिंग्स होती है। तो यहाँ पे जो बात है वो किसी भी तरीके से एक सेपरेट सिख नेशन को बनाने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उस आड़ में अपने आप को मजबूत करने का है और अपने आप को इतना पावरफुल रखना है कि आपके बिना इशारा का उस आसपास कोई भी काम ना हो। जब हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन हुआ था पिछले साल, तो उसके बाद भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध थे वो काफी खराब हो गए थे, और जस्टिन ट्रूडो भरी पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ था, जिसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि अभी भी वो जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं हुआ। लेकिन तब से लेके अब तक कोई भी ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया है कनाडा के द्वारा जहां पे ये मालूम पड़े कि हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन के पीछे भारत का हाथ था। और उसके बाद एक चीज जो हम सभी को नोटिस करनी चाहिए बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि भारत हो गया चाहे दुनिया के किसी भी और अलग देशों में, जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहां के जो लीडर होते हैं, यानी कि जो प्रीस्ट होते हैं, जो हेड प्रीस्ट होते हैं, वो लोग काफी पावरफुल होते हैं और उनके बिना इशारा का उस आसपास में कोई भी काम नहीं होता है। और ये भी एक रियलिटी है कि उन सब जगहों पे खूब फंडिंग होता है और उन सब फंडिंग्स के ऊपर नॉर्मली टैक्स नहीं लगाया जाता या किसी भी तरीके से टैक्स की चोरी होती है। तो कहने का मतलब है कि ऊपर से देख के तो हमें यही लगता है कि ये एक रिलीजियस प्लेस है, लेकिन उस प्लेस के आड़ में एक कंप्लीट तरीके से पॉलिटिकल गेम खेला जाता है। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, या उन सभी जगहों पे जहां पे किसी भी तरीके से जो खालिस्तान मूवमेंट है वो सर्वाइव करता है। जहां तक बात किया जाए हरदीप सिंह निज्जर के भतीजे के बारे में, राघबीर निज्जर के बारे में, तो यहां पे भी आपको एक एंगल समझ में आएगा जहां पे आपको ये मालूम पड़ेगा कि ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक सिख टेम्पल है, उस टेम्पल का ये प्रेसिडेंट बनना दोबारा से चाहते थे और इसके पहले भी वो एक बार प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का आप प्रेसिडेंट होते हैं तो आप काफी पावरफुल होते हैं और ऑलमोस्ट वहां पे कोई भी जो एक्टिविटीज होता है वो आपके बिना परमिशन का नहीं होता है। अगर आप इसी आर्टिकल को रेफर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो मसला है वो किसी भी तरीके से एक सेपरेट सिख नेशन को बनाने का नहीं है, बल्कि जो मसला है वो कहीं ना कहीं जो ड्रग तस्करी है या उससे रिलेटेड जो इलीगल कारोबार है उसको लेके है, और जो गैंग वॉर इनके आपस में हो रहे हैं वो भी इसीलिए हो रहे हैं कि जो पैसे का जो बंटवारा है उसको लेके आपस में अगर किसी भी तरीके से जो मतभेद होता है तो उसके बाद कोशिश किया जाता है कि जिसने भी आपको धोखा दिया या जो भी आपको लगता है कि आपसे अधिक पावरफुल हो रहा, आप
यही चाहते हैं कि आप उसको एलिमिनेट करें। और इन सब के पीछे पाकिस्तान का ISI का एक बहुत ही बड़ा रोल है। जहां तक बात किया जाए हरदीप सिंह निज्जर के बारे में, तो भारत से जब वो कनाडा भाग के गया था तो भारत में भी उसके ऊपर मल्टीपल क्रिमिनल के चार्जेस लगे हुए थे और इनफैक्ट उसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू हो रखा था। और जहां तक बात किया जाए गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में, तो इसके आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे ये ओपनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रेटन कर रहा या किसी भी तरीके से ये इंडियन एयरलाइंस के जो फ्लाइट्स वगैरह है उसको उड़ाने की ये बातें करता है। तो यहां से भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इनका जो दिखावा है वो महज बस दिखाने के लिए है, बल्कि इनका जो बिजनेस है वो ड्रग स्मगलिंग से रिलेटेड है। नॉर्मली क्या होता है कि हरदीप सिंह निज्जर या ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप बहुत ही अच्छे तरीके से धर्म के साथ जोड़ लेते हैं, तो जब भी आप इनके बारे में या इसके ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहते हैं तो लोगों का जो एक सेंटिमेंट है वो हर्ट हो जाता है और जो मामला होता है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट कर जाता है। जहां तक बात किया जाए हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन के बारे में, तो यहां पे भी मल्टीपल ऐसे रिपोर्ट्स है जिसको पढ़ के मालूम पड़ता है कि हरदीप सिंह निज्जर को जो मारा गया था वो भी एक गैंग वॉर का हिस्सा था। क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट था तो इसलिए इसके असैसिनेशन को लेके एक बहुत ही बड़ा बवाल मचा। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो कनाडा में जो गैंग वॉर है वो काफी बढ़ा है और इसके बारे में ऐसा नहीं है कि वहां की सरकार को नहीं मालूम है, बिल्कुल उनको मालूम है। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो सरकार में इसीलिए बने हुए क्योंकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP उनका सपोर्ट इनको मिला हुआ है और NDP बढ़ चढ़कर खालिस्तान मूवमेंट को प्रमोट करते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लें कि जस्टिन ट्रूडो अपने आप को सत्ता में बना के रखने के लिए इन अ वे जो गैंग वॉर कनाडा में हो रहा उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट था तो इसीलिए जब उसका असैसिनेशन होता है तो वो एक बहुत ही बड़ा न्यूज बन जाता है। हालांकि उसके तरह असैसिनेशन और भी होते रहते हैं कनाडा में और उसके पीछे का जो वजह रहता है वो गैंग वॉर ही रहता है। आप किसी के साथ काम कर रहे हो और किसी भी वजह से अगर कोई फ्रिक्शन हो जाता है तो उस फ्रिक्शन को फिर सॉर्ट आउट करने के लिए लोग आपस में फिर किलिंग करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और जहां तक बात किया जाए US के हिपोक्रेसी के बारे में, तो कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आया था जहां पे ये कहा गया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू US में था तो वहां पे इसके ऊपर जानलेवा अटैक होता या होने वाला था। इसके बारे में अब तक कहीं से कोई ठोस खबर नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी ये कहा गया था कि इसके असैसिनेशन के पीछे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ था और उसमें एक आदमी का अरेस्ट होता है निखिल गुप्ता का, जो फिलहाल US में है। निखिल गुप्ता के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे रॉ के एजेंट है या रॉ ने इनको चुना है। और जब हरदीप सिंह निज्जर का भी असैसिनेशन होता है तो उस वक्त भी USA कनाडा को पुश करता है, ये बोलता है कि इस असैसिनेशन के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो USA खुली छूट दे रखा है इसराइल को, जहां पे वो ये कहता है कि इसराइल को अपने आप को सेल्फ डिफेंड करने का हक है, लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू मल्टीपल टाइम्स ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका है कि वो भारत को तबाह बर्बाद करना चाहता है। इस बारे में US का जो स्टेटमेंट रहता है वो कंप्लीट तरीके से उल्टा रहता है, यानी US अपने ही बात से पलट जाता है। और जहां तक बात किया जाए निखिल गुप्ता के बारे में, तो इस मामले में लेटेस्ट क्या हुआ है हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको किस तरीके से अपने लेवल पे डील कर रही है ये भी हमें नहीं पता। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।